सत श्री अकाल जी, तुम देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधु, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चुनवीं खबरां। चरणजीत सिंह चन्नी बने पंजाब के नवे कैप्टन, सुखजिंदर रंधावा ते ओपी सोनी भी बने उप मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को दसिया इतिहासिक कदम। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने किया ट्वीट, कहा इतिहास के सुनहरे पन्नों के विच लिखा जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी का नाम। ओम प्रकाश सोनी के उप मुख्यमंत्री बनन ते अमृतसर दे विच जश्न दा माहौल। आप वल्लों चरणजीत सिंह चन्नी नूं दित्ती गई वधाई, सारे वादे पूरे करन दी कीती मांग। चरणजीत सिंह चन्नी दे मुख्यमंत्री बनदिआं ही पंजाब दे विच नवीं बगावत शुरू, सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर हरीश रावत नूं पाया घेरा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर दीआं सड़कां खोलण संबंधी हरियाणा सरकार की मीटिंग का संयुक्त किसान मोर्चे ने किया बाइकॉट। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने तो बाद परमिंदर ढींसा का वड्डा बयान, कहा दलित भाईचारे दी वोटां दी कांग्रेस ने खेडी सियासी पत्ता। हुण खबरां विस्तार नाल। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री वजों अहुदे का हलफ ले लिया है। पंजाब के सियासी इतिहास के विच पहली दफा कोई दलित आगू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होया है। इस तो इलावा ओपी सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उप मुख्यमंत्री वजों सौं चुकी है। इस मौके राहुल गांधी, हरीश रावत और कांग्रेस लीडरशिप मौजूद रही है। दस दईए कि चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकण तो महज अद्धा घंटा पहला उप मुख्यमंत्री के नावों के बदलाव किया गया। ब्रह्म महिंद्रा की जगह ओम प्रकाश सोनी ने उप मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित सिख भाईचारा लगातार जित दर्ज की है। श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ के राज दौरान 2015-16 विधानसभा विरोधी धिर के नेता भी रह चुके हैं। जिक्र योग है कि पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार पंजाब कांग्रेस के विधायकों वालों कांग्रेस हाईकमान दिता गया। बीती कल वक्त नावों के उपर चर्चा करने तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नवे मुख्यमंत्री बनाने संबंधी ऐलान पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत वालों किया गया। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सहु चुकता हाँ। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारतीय प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज दे मुख मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं भै जां पक्षपात, स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों की प्रति संविधान अते कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने तो बाद वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दे वल्लों इस नूं इतिहासिक फैसला करार किया गया। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमांड ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब दे पहले दलित मुख्यमंत्री वजों नियुक्त करके पंजाब दे विच दलितां नूं मान सम्मान दिता है। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ पंजाब दे विच बल्कि देश आजाद होने तो बाद नॉर्थ इंडिया दे विच कदे भी किसी दलित भाईचारे के विधायक नूं मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दस दईए कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाउण पिछे मनप्रीत सिंह बादल का भी वड्डा हथ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीब मने जाते मनप्रीत सिंह बादल के वलों पहले दिन तो ही कैप्टन अमर चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाने के लिए राय दी गई सी। चरणजीत सिंह चन्नी दीआं तारीफां दे पुल बंदिआं वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी एक काबिल राजनेता ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे इंसान भी ने ते ओह पंजाब दे लोकां दीआं भावनावां दी कदर भी चंगे तरीके दे नाल करनगे। सब ऐसे है कि अभी जो कांग्रेस की आला कमान है तो आला कमान ने ये फैसला दिया है और सारा दिन सुबह से लेके और रात भर भी ये तमाम जो पंजाब के MLAs थे उनसे मुशावरत ये चलती रही कि पंजाब के आने वाले चीफ मिनिस्टर कौन होंगे और अभी आधा घंटा पहले ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पंजाब के जो आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे वो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शाइस्तगी से ये और बहुत शाइस्तगा उनका ये जो फैसला है उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि पंजाब में वैसे भी जो SC पॉपुलेशन है
वो तमाम हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 33%। दूसरा ये है कि आपके सुनने वाले शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आज तक पूरे नॉर्थ इंडिया में कभी कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। कांग्रेस हाईकमांड वालों दलित सिख चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री ऐलाने जाण तों बाद चन्नी नूं वधाइयां देण दा सिलसिला लगातार जारी है, जिस तों बाद पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों भी उन्हां नूं वधाई दित्ती गई है। वधाई दिंदिआं सिद्धू ने कहा है कि पंजाब दे राजनीतिक इतिहास दे विच चरणजीत सिंह चन्नी दा नां सुनहरे अक्खरां दे विच लिखिआ जाएगा, क्योंकि उह पंजाब दे पहले दलित मुख्यमंत्री वजों मनोनीत कीते गए ने। सिद्धू ने ट्वीट करदिआं लिखिआ है कि इतिहास पंजाब दा पहला दलित मुख्यमंत्री मनोनीत, इतिहास के पन्नों पर सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। संविधान की भावना और कांग्रेस की सोच को सलाम है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दलित चेहरे वजों पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी को स्वीकार कर चुके सन और उन्होंने वालों दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की सूरत में कांग्रेस हाईकमांड चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का सुझाव दिया गया। जिक्र योग है कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी वालों नवजोत सिद्धू को खास तौर उत्ते अपने हल्के दे विच बुला के सम्मानित किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह विरुद्ध पंजाब कांग्रेस च उठी बगावत की सुर को मजबूत करने दे विच भी चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिद्धू का साथ दिता सी। अमृतसर विखे कांग्रेस हाईकमान वालों कैबिनेट मंत्री पंजाब ओम प्रकाश सोनी दे उप मुख्यमंत्री बनन ते उन्हां दी कोठी दे बाहर खुशी दा माहौल वेखण नूं मिलिआ है। इस मौके कांग्रेस वर्करां दे वालों ढोल वजा के खुशी दा इजहार करदिआं पार्टी हाईकमान दा धन्नवाद कीता गया। जिक्र योग है कि अज सवेरे ओपी सोनी दे समर्थकां नूं मिली है खुशखबरी उन्हां दे लई काफ़ी खास सी, क्योंकि ओपी सोनी का नाम ब्रह्म महिंद्रा की जगह सहु चुक समागम तो एक घंटा पहला ही फाइनल किया गया। ओम प्रकाश सोनी कैबिनेट मंत्री के उप मुख्यमंत्री बनने पर लड्डू वंडे गए और कांग्रेस हाईकमान का तय दिलों धन्यवाद किया गया। इस मौके गलबात करते उन्होंने कहा है कि ओपी सोनी पहला तो ही पंजाब के लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे सन और हूँ उप मुख्यमंत्री बनने पर पंजाब के लोगों की आवाज़ होर बुलंद करेंगे। ओपी सोनी के घर के बाहर इकट्ठे हुए समर्थकों ने कहा है कि ओपी सोनी उप मुख्यमंत्री बना के पंजाब हाईकमान ने सरहदी इलाके नूं वड्डा माण भी दिता है। सो सब तो पहला तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार करते हैं कि सोनी साहब की अज उन्हां दी मेहनत सदका और उस दे नाल ही मैं पार्टी हाईकमांड श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, अपने स्टेट के प्रेजिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जी का, सारे सीनियर लीडर सभाना का भी धन्यवाद भी करते हैं। और मैं उन्हों का समझता कि सोनी साहब पिछले 30-35 सालों तो इस गुरु की नगरी की सेवा करे, अज पंजवीं बार वो लगातार इस अमृतसर शहर तो MLA बन के गए हैं। अज उन्होंने डिप्टी CM बनाया गया है, अगे भी वो सेवा करते सी बतौर मंत्री भी उन्होंने पंजाब की सेवा की है, डिप्टी CM बन के भी वो पंजाब की सेवा करेंगे। सो अज खुशी का माहौल है, मैं सारे एक बार फिर धन्यवाद करना है और खास करके पार्टी हाईकमांड का जिन्होंने अब सोनी साहब को डिप्टी CM बनाया। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस के वालों नियुक्त नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विधाई दी है। उत्थे ही आप ने उम्मीद की है कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने 4-5 महीनों की पारी दौरान कांग्रेस के वालों 2017 दी चोणां मौके किए सारे वादे पूरे करनगे, क्योंकि लंघे 4.5 साल के सत्ताधारी कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है। विरोधी धिर के नेता से आप विधायक हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है कि हुण वादे पूरे ना करन संबंधी पंजाब कांग्रेस कोई भी बहाना नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब के नवे मुख्यमंत्री तो उम्मीद करते हैं कि वह लोगों की भावनावां के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह वांग खिलवाड़ नहीं करेंगे। हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि कांग्रेस के पिछले 4.5 साल तो कुर्सी खोण और कुर्सी बनाने के लिए जारी घटिया दर्जे की लड़ाई ने पंजाब के समुचे सरकारी तंत्र को मलियामेट कर दिता है और लोगों को भारी कीमत चुकानी पई है। देखो सब तो पहला तो मैं सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुबारकबाद देना चाहता गा कि अज उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री वजो अहुदा संभालना गा ज उन्हों की सिलैक्शन जी उन्हों की पार्टी वालों हुई हैगी। और दूजे पासे मैं आस करदा गा कि जेडे वादे हुण तक पूरे नहीं किए गए, जेडे 2017 के वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने, वो हुण तक पूरे नहीं हुए। आस करदा गा कि वह वादे जेड़ा रहिंदा समा गा वह सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी पूरे करनगे और पंजाब के लोगों को इंसाफ देणगे। हाईकमान के सारे यत्नों के बावजूद पंजाब कांग्रेस के विवाद रुकन का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री के अहदे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अस्तीफे तो बाद भी कांग्रेस के स्थिति इन्नी सौखी नहीं लग रही। ताज़ा मामला पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान सुनील जाखड़ के नाल संबंधित है। जाखड़ ने कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज अच्छे पार्टी के जनरल सकत्र हरीश रावत के उस बयान से इतराज़ किया जिस उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 2022 दिया विधानसभा चोणां
सिद्धू की अगवाई लड़िया जाएगियां। जाखड़ ने ट्वीट राही इस मामले से नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि रावत का यह बयान हैरान करने वाला है। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान जाखड़ ने भी ट्वीट करके कहा है कि चंजे सिंह चन्नी मुख्यमंत्री वजों सहु चुकन के दिन रावत का यह बयान कि सिद्धू की अगवाई के चोणा लड़िया जाएगियां हैरान करने वाला है। यह ना सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकार कमजोर करने की कोशिश है, इसके बजाय यह उसके अहदे से नियुक्त से उसके उद्देश भी खारिज करने की कोशिश है। जिक्रयोग है कि चंजे सिंह चन्नी के सहु चुक समागम तो पहला हरीश रावत के वलों आने वाली विधानसभा चोणा नवजोत सिद्धू की अगवाई के लड़न का ऐलान करने तो बाद पंजाब कांग्रेस के नवी बगावत शुरू हो सकती है। कांग्रेस मोर्चे के चलदियां हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर की बंद पई सड़क को खोलन संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार वालों रखी गई मीटिंग का किसान मोर्चे के आगुआ के वालों बाइकाट किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के आगू सोनीपत प्रशासन के वालों किसान मोर्चा करके बंद पई सड़कों खोलन के लिए रखी मीटिंग दे शामिल नहीं हुए। किसान आगुआ ने तर्क दिता है कि सड़क किसानों से नहीं सगो दिल्ली पुलिस ने आवाजाई लिए रोकिया हुई ने। किसान आगू मनजीत राय ने तर्क दिता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों गलत अर्थों के लिया जा रहा है तो किसान अंदोलन अज की तजवीजत मीटिंग खिंचया जा सके। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त के अपने हुक्मों भारत के सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि इस समस्या का हल केंद्र और संबंधित राज्य सरकार के हाथ में है। किसान आगुओं ने कहा है कि किसान दिल्ली दिया बरहों से मोर्चा ला के आप नहीं डटे बल्कि हरियाणा से दिल्ली पुलिस ने खुद बैरीकेटिंग करके सड़कों को रोकया होया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने आवाजाई अगे वधाने लिए सिंघू बॉर्डर के नाल टिकरी बॉर्डर उत्ते सड़क के दोवें पासे स्पष्ट रस्ते बनाए हुए हैं। यही नहीं किसान गाजीपुर बार्डर से सड़क के सिर्फ एक पासे धरना लाई बैठे ने। यही स्थिति शाहजहांपुर बार्डर से होर मोर्चा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जानती है कि इस मसले से हल कितने है, वो किसानों की मंगा प्रति अपने अड़ियल रवैये छड़न के लिए तैयार नहीं है। साथियों अज अपनी मीटिंग हुई है जिहड़ी प्रशासन वालों जिहड़ी हरियाणा सरकार वालों एक कमेटी बनाई गई है किसान आगुओं ने गल करने एक साइड का रस्ता खिलाने जिस जिक्र किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो जी जी लैटर आई है जबकि वह जो पढ़ी है तो मोनिका अग्रवाल ना की जी कोई लड़की है उन्हें पाई है और सरकार उन्होंने कहा है कोर्ट ने कि तुम एक साइड का रस्ता खुलवा सकते हो या नहीं ये बारे जानकारी दो 20 तरीक न। सो ये उन्होंने सानू असं ये समझते हाँ भाई ना तो मोनिका अग्रवाल ने पार्टी बनाया ना ही सानू कोर्ट ने पार्टी बनाया। सो ये क्लीयर कट है भाई ये सानू जिहड़ी सरकार है ये सानू विच पार्टी बनाउणा चाहुंदी है किसानां नू इहदे विच पार्टी बनाउणा चाहुंदी है ये एक उहनां दी सोची समझी साजिश है। असी हुण बत्तियां ने फैसला कीता इकट्ठे हो के कि असी उस दे विच कतई नहीं जावांगे जिहड़ी कल दी मीटिंग है वो बिल्कुल उहदा मीटिंग दा असी बाइकाट करांगे नहीं जावांगे। सो एक इह फैसला होया वड्डा। संयुक्त अकाली दल के सीनियर आगू परमिंदर सिंह ढींसा के वालों पंजाब के नवे बने मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं जिथे शुभकामनावां दित्तियां गईयां उत्थे ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुछ कु महीनों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाउणा सिर्फ दलित भाईचारे दीआं वोटां लैण दे लई खेडी सियासत दा पत्ता है। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के काम अते कारगुजारियां वेखदिआं बिना हरीश रावत का आने वाली विधानसभा चोणां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू का नाम बतौर मुख्यमंत्री वजों ऐलान करना कांग्रेस पार्टी का मौका प्रस्त चेहरे नूं दर्शाता है। परमिंदर सिंह ढींसा ने कहा है कि पंजाब दे विच दलित पत्ता खेडिया गया है अते कांग्रेस हाईकमान ने जिथे लोगों नूं भरमाउण की कोशिश की है उथे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार की नाकामियां ते पर्दा भी पाया है। विधायक परमिंदर ढींसा ने कहा है कि चेहरा बदलन के नाल नहीं नीतियां बदलन के नाल लोगों का भला होगा अते कांग्रेस पार्टी नूं अपनियां नीतियां बदल के पंजाब दे विच स्थापित हो चुकिया माफिया राज खत्म करना होगा। जो पंजाब दे विच पिछले दिनां च घटनाक्रम चल रहे ने उन्हां चों हुण नुचड़ के गल बाहर आई है भी चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दे मुख्यमंत्री होणगे। सब तो पहला तो मैं चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां नूं मुख्यमंत्री बनदे उन्हां नूं बहुत बहुत लख लख वधाई दिंदा पर नाल ही मैं समझदा बड़े दुख की गल यह है कि कांग्रेस ने उन्हां नूं सहु चुकण तो पहले ही उन्हां दे पैरां विच पेड़ियां पा दित्तियां। बयान आया हरीश रावत जी का भी अगली चोणां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा मुख्यमंत्री अहुदे दे साडे चेहरा होणगे तां इहदा की मतलब है। इह गल स्पष्ट है कि कांग्रेस जिहड़ी है उह सिर्फ ते सिर्फ दलित भाईचारे दीआं वोटां लैण लई सियासत खेड रही है। हजे
चरणजीत सिंह चन्नी ने आपका काम शुरू नहीं किया, उन्होंने कारगुजारी नहीं इन्होंने देखी। उदू पहला ही उन्होंने उन्होंने अगलिया चोणों के मुख्यमंत्री चेहरा हो जो बनाने तो इनकार करता। यह साबित करता है भी या तो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की काबिलियत विश्वास नहीं, तो सिर्फ तो सिर्फ वह उन्होंने भाईचारे दियां दलित वर्ग दियां वोटां लैण तक ही उन्होंने वरत रहे हैं। पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अस्तीफे तो बाद नवे मुख्यमंत्री दा ऐलान कर दिता गया, पर कैप्टन अते नवजोत सिंह सिद्धू पक्षी समर्थकां दे विचकार शब्दी जंग जारी है। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री दी कुर्सी छड्डन तो बाद सिद्धू ते देश विरोधी होण दा दोष लाया सी। उन्होंने कहा सी कि सिद्धू दे पाकिस्तान दे नाल नेड़ले संबंध ने जो देश दे लई चंगे नहीं होणगे, पर हुण उन्हां दे बयान दा पंजाब दा साबका डीजीपी अते सिद्धू दे सलाहकार मुहम्मद मुस्तफा ने करारा जवाब दे दिता है। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह उस नूं अपना मुंह खोलण मजबूर ना करन। मुस्तफा ने कैप्टन नूं कहा है कि तुसीं 14 साल तो ISI एजेंट दे नाल रह रहे हो, मेरा मुंह ना खुलवाओ, असीं परिवारिक दोस्त रहे हां, इस दे लई मेरे कोल बोलन दे लई बहुत कुछ है। मुस्तफा कैप्टन दी पाकिस्तानी महिला पत्रकारा दे नाल दोस्ती नूं लै के शब्दी हमले कर रहे ने। इना ही नहीं, मुस्तफा ने कहा है कि कैप्टन ने देश भगती दा सर्टिफिकेट ना जारी करन, उन्हां कोल कैप्टन दे गलत कम्मां दा बहुत वड्डा जखीरा है। इस दौरान मुस्तफा ने पुराना गीत राज को राज रहने दो वी सांझा कीता है। पंजाब दा मुख्यमंत्री बनन तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार पहली बार मीडिया दे सन्मुख होए ने। पंजाब दे मुद्दे ते बोलन तो पहला उन्होंने अपना संबोधन हाथ जोड़ के गुरबाणी दी थुक ते नाल शुरू किया है। पत्रकारां रूबरू हुंदिया उन्होंने कहा कि जिहड़ी सोच गुरु नानक देव जी दी सी उही सोच तहत अज कांग्रेस ने काम करदिया आम आदमी नूं मुख्यमंत्री दा अहुदा सौंपिया है। कॉन्फ्रेंस दौरान चन्नी ने इस समय भावुक हो के बहुत सारियां गल्लां कहियां ने। उन्होंने कहा कि जेकर मेरे कोल कुछ बोलन दे विच गलती हो गई होवे तां माफ कर दिओ, मैं अमीर दा नहीं ਕੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀਕਰਨ ਸਣੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 18 ਟਾਸਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਫਾਰ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
अमरीका के टैक्सास च पैंदे शहर डेल रियो एक पुल हेठा ही कटे हुए गैर कानूनी प्रवासियों के भारी इकट्ठ को संभालने के लिए अमरीकी प्रशासन के वलों तकरीबन 400 बॉर्डर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इस संबंधी अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी दसिया गया है कि 400 बॉर्डर पैट्रोल एजेंटा इकट्ठी हुई भीड़ को संभालने से शांति बनाई रखने की कोशिश टैक्सास के डेल रियो भेजा जाएगा। एजेंसी के शनिवार को जारी किए बयान अनुसार बॉर्डर एजेंटा के अगले 24 घंटों तो 48 घंटों के पहुंचने की उम्मीद है। DHS अनुसार स्थिति को संभालने के लिए जो होर वाधू स्टाफ की जरूरत होगी तो होर बॉर्डर एजेंट भी भेजे जाएंगे। एजेंसी ने यह भी दसिया है कि डिपोर्ट करने तो पहले ज़्यादातर लोगों डेल रियो तो होर प्रोसैसिंग स्थानों पर तब्दील किया जा रहा है।